सो गाइस, अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर हैं और आप लोगों की यूट्यूब वीडियोस के ऊपर जो है बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ 6-7 व्यूज़ आ रहे हैं और उसके ऊपर जो है आपके व्यूज़ आकर रुक जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को किसी यूट्यूबर ने आज से पहले वो सेटिंग्स नहीं बताई होंगी। अगर आप उन सेटिंग्स को फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी यूट्यूब वीडियो जो है वो 100% वायरल होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है। जो पहली ट्रिक होगी वो बहुत ज़्यादा कमाल की है और जो दूसरी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो उससे भी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों ने स्किप करना है तो आप वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपकी वीडियो जो है वो 100% वायरल होगी, उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे और आपका चैनल बहुत तेज़ी से जो है ग्रो हो जाएगा। सो गाइस, अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो ट्रिक मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने वाला हूँ उसको आप लोगों ने करने के लिए क्या करना है, आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल में आ जाना है। सिंपली आप लोगों ने यूट्यूब चैनल में आने के बाद अपना जो है YT स्टूडियो अपने ओपन करना है। आप अपने लैपटॉप में कर लें या अपने जो है मोबाइल वगैरह में कर लें, डेस्कटॉप साइट को ओपन करके। सिंपली जैसे ही आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ से नीचे करना है और यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग्स ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। सिंपली आपने सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक चैनल का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप सिंपली चैनल के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों के चैनल के कीवर्ड्स आ गए हैं। अब गाइज़ मेन पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर क्या करना है। अब गाइज़ सबसे पहले तो आप लोगों ने कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर डालने हैं जो कि आपके चैनल का नेम है, आप लोगों ने अपने चैनल का नेम जो है यहाँ पर डालना है। इसके अलावा आपका जो यूट्यूब चैनल है वो किस रिलेटेड है, अगर जैसे मेरा YouTube चैनल है वो YouTube टिप्स के रिलेटेड है, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज करें, तो इस रिलेटेड आप लोगों ने अपने चैनल के कीवर्ड्स के अंदर आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपकी वीडियोस 100% वायरल होंगी, उनके ऊपर बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। अब गाइज़ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लगाए हैं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब अपडेट, 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे करें, वीडियो वायरल कैसे करें, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों का चैनल जो है वो पबजी के ऊपर है या किसी और गेमिंग के ऊपर है तो आप लोगों ने जो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल का नेम नहीं लिखना, बल्कि आप लोगों ने अपने चैनल के रिलेटेड जिस टाइप की वीडियोज़ आप बनाते हैं आपने वहाँ पर उस रिलेटेड जो है कीवर्ड्स दिखने हैं, ताकि आपकी वीडियोस जो है वायरल हों। कोई भी बंदा अगर आपके चैनल को सर्च करे या ये वाले कीवर्ड जो है सर्च करे तो आपकी जो वीडियोस वो सामने आएंगी, और अगर वीडियोस सामने आएंगी तो आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे और आपकी वीडियोस जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल होंगी और आपका चैनल तेज़ी से ग्रो हो जाएगा। सो गाइस, आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों ने अपने चैनल के रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ करना है। तो ये तो थी कुछ पहली सेटिंग। अब जो दूसरी सेटिंग है वो गाइस आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब भी अपनी कोई वीडियो अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद आपने जो है अपनी वीडियो के एनालिटिक्स में सिंपली आ जाना है। तो मैं अपनी कोई भी वीडियो के एनालिटिक्स में सिंपली यहां से ओपन करता हूं। जैसे ही मैं अपना वीडियो को एनालिटिक्स को ऑन करूंगा तो आपने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने थोड़ा सा यहां से नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइज यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा नीचे आप और आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा अलाउ एम्बेडिंग का। तो गाइस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब भी अपनी YouTube वीडियो को जो है अपडेट करना है, अपनी वीडियो को जो है अपलोड करना है, तो आप लोगों ने आकर देखना है कि ये वाला जो ऑप्शन है अलाउ एम्बेडिंग का, ये हमारा ऑन है या नहीं। तो गाइस ये कभी कभार आप लोगों का ऑफ होता है, कभी ऑन होता है, तो आप लोगों ने हर वीडियो में आकर यहाँ पर देखना है कि ये वाला ऑप्शन मेरा ऑन है कि नहीं। गाइस इस ऑप्शन को ऑन करने से क्या होगा कि जब भी आप अपनी कोई वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो अगले बंदे को आ जाएगी। अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे, इसको ऑन नहीं करेंगे, तो अगले बंदे को आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जिससे आपका जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास जो है आपकी वीडियो नहीं जाएगी और व्यूज़ नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल है, ऑन है। हर वीडियो को आप लोगों ने अपलोड करने के बाद इस ऑप्शन को लाजमी देखना है कि आप लोगों का ये ऑप्शन ऑन है कि नहीं। सो गाइस ये दो सेटिंग्स थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आप लोगों को पहले किसी ने भी नहीं बताई। अगर आप इन सेटिंग्स को फॉलो करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल 100% ग्रो होगा, आपकी वीडियो 100% वायरल होगी। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।